देश में बीते कुछ महीनों से ट्रेन हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच शुक्रवार देर रात कानपुर में ट्रेन हादसा हो गया, जहां साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन के पास हुआ। राहत की खबर ये रही कि इस हादसे में अब तक किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं लोको पायलट के मुताबिक प्रथम दृष्टया बोल्डर इंजन से टकराया और इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर मुड़ गया, जिससे यह हादसा हो गया। वहीं इस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन और बचाव दल की सारी टीमें मौके पर मौजूद हैं। ट्रेन में मौजूद सभी यात्री निकाल लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन और दो डिब्बे छोड़कर बाकी सभी डिब्बे डीरेल हो गए थे। यात्रियों को कानपुर सेंट्रल भेज दिया गया है और विशेष ट्रेन से उनको रवाना कर दिया गया। वहीं इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकरा कर पटरी से उतर गया। तेज टकराव के निशान देखे गए हैं, प्रूफ सुरक्षित है। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। यात्रियों के लिए अहमदाबाद की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई। वहीं कांग्रेस ने इस हादसे को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि यूपी के कानपुर में साबरमती ट्रेन पटरी से उतर गई। मोदी सरकार के 70 दिनों में 21 रेल हादसे हो गए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। रेल मंत्री के लिए तो ये छोटी घटना है। वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि रेल हादसों को साजिश बताने वाले बताएं कि एक ट्रैक पर 4 ट्रेनों का आ जाना साजिश है या लापरवाही। सरकार का वकील बनने की आदत छोड़ दीजिए। सरकार से सवाल पूछा जाता है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। पार्टी की तारीफ चुनाव के पहले कीजिए, सरकार बनने के बाद काम का हिसाब लीजिए। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन हादसे को लेकर फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन देश में जिस तरह से रेल हादसे बढ़ रहे हैं उसने सबकी चिंता बढ़ाए रखी है और इसको लेकर मोदी सरकार लगातार घिरती जा रही है।